जैसा कि आपको मालूम है, दूसरे चरण में होने वाले मतदान होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके लिए कुछ ही घंटे शेष है। जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों 36 मधुबनी, 37 राजनगर, 38 झंझारपुर एवं 39 पिपरास में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में मधुबनी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 13,20,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चारों विधानसभा के 1,305 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। चारों विधानसभा क्षेत्र से कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें सबसे अधिक 18 उम्मीदवार झंझारपुर विधानसभा से खड़े हैं। झंझारपुर विधानसभा में प्रत्येक बूथ पर 2-2 ईवीएम मशीन से मतदान कराया जाएगा। सबसे कम 10 प्रत्याशी सुरक्षित राजनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। फुलपरास विधानसभा से 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और मधुबनी विधानसभा से 12 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में 500 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,46,523 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1,82,135 पुरुष और 1,64,365 महिला वोटर हैं। वहीं मधुबनी में 23 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत हैं। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 461 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,30,807 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1,73,997 पुरुष और 1,56,787 महिला एवं 23 थर्ड जेंडर वोटर हैं। झंझारपुर के 458 मतदान केंद्रों पर कुल 3,17,676 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1,67,269 पुरुष और 1,51,400 महिला वोटर हैं। झंझारपुर में 7 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत हैं। फुलपरास के 486 बूथों पर 3,25,242 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1,70,068 पुरुष और 1,55,164 महिला वोटर हैं। अलावे 10 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत हैं। द्वितीय चरण के मतदान के लिए सभी पीसीसीपी के साथ अर्धसैनिक बलों को भी संबद्ध किया गया है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्र से जिले में 65 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भेजी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन विभाग के द्वितीय चरण के मतदान के लिए जिला में प्रतिनियुक्ति प्रत्येक अर्धसैनिक बलों के उपयोग के लिए एक किट, जिसमें एक फेस शील्ड, 2 मास्क, 4 ग्लव्स, 100 ml का एक सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक कंपनी को उनके आवासन स्थल पर 100 किट संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से पहुंचा दिया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। कोविड संक्रमित मतदाताओं के लिए संध्या 4 बजे से 5 बजे तक मतदान कराने की व्यवस्था कराई गई है। सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। निर्वाचन कर्मी सामग्रियों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। सुरक्षा कर्मी प्रतियुक्त बूथों के लिए रवाना हो गए हैं। अगर आप भी दूसरे चरण में होने वाले मतदान अंतर्गत क्षेत्र से आते हैं, तो हमारा चौथा स्तंभ परिवार आपसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करता है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में यह पहला चुनाव है, इसलिए सावधानी भी बरतना जरूरी है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान जरूर करें। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज़।